हेलो फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफर 2.0। यहाँ पर आज हम ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का पार्ट टू लेकर आ गए। अब तक आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें हमने सिलेबस और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कराए थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर आप देख लीजिए। आज हम यहाँ पर अपना पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको और क्या करना है, आपको एक एक टॉपिक के यहाँ पर स्टडी करते रहना है अपनी तरफ से भी, कि आपको सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको गूगल से और भी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, जो भी यहाँ पर आपके टॉपिक हैं आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ते भी रहिएगा, साथ में इन क्वेश्चंस को भी करते रहिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पर और अच्छे से हो जाए। और ये बूस्टअप हो, आप एक तरीके से कह सकते हैं आपका एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और यहाँ पर आपको मैं सेकंड पार्ट दिखाता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यहाँ पर देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो टास्क एकॉम्प्लिशमेंट जो होता है, टास्क अकॉम्प्लिशमेंट, वही यहाँ पर इसका प्राइमरी फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का। इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, विच लीडरशिप स्टाइल इम्फेसाइज टीम कोलेबोरेशन एंड पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे दिए हुए, विच लीडरशिप ट्रेट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सरकमस्टांसेस। ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फोर अपना देखेंगे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। शॉर्ट एनालिसिस क्या है यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई की स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एस का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का है वीकनेस, ओ का है अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब होता है थ्रेट। तो शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कम्युनिकेशन स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाय एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, असर्टिव। असर्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, व्हाट डज द एक्वेरियम एक्रोनियम स्मार्ट। यहाँ पर स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि स्मार्ट वर्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। एस का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक है, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रिलीवेंट, और टी का मतलब टाइम बाउंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल व्हाट डस R4 रिप्रेजेंट। R4 का मतलब क्या है यहाँ पर, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। विच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट ऑर्डर्स पोजेसेस इनहेरिएंट कैरेक्टर्स दैट मेक देम इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्राइजल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू मैस्लोस हायरकी ऑफ नीड्स, विच नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड्स कैन बी एड्रेस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं यहाँ पर वो हमें हायर लेवल नीड होती हैं बिफोर एड्रेस्ड। तो यहाँ पर ये थे कुछ 10 क्वेश्चन, अब हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जल्दी हम अपना थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व्स अ लीडर हु मेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द टीम मेंबर्स। कौन सी जो यहाँ पर लीडरशिप होती है जिसमें लीडर जो है खुद डिसीजन लेता है, यानी वो किसी मेंबर से कंसल्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें यहाँ पर जो आपका लीडर होगा वो किसी भी जो टीम के मेंबर होंगे उससे यहाँ पर कोई कंसल्टेशन नहीं करेगा, जो भी उस डिसीजन होंगे वो सिर्फ लीडर के ही होंगे। तो ऐसी लीडरशिप को क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं अपना, इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिसीजन मेकिंग इज प्रिमरली, यहाँ पर क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिसीजन मेकिंग इज प्रिमली डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित होती है। जो यहाँ पर विकेंद्रित होगी, जो भी लीडरशिप है यहाँ पर वो विकेंद्रित होगी डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसेज फेयरी लीडरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
तो ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हैं, हाई कंट्रोल एंड सुपरविजन, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमल इंटरफेस, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट एंड मिनिमल इंटरफेरेंस क्वेश्चन नंबर थ्री का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देगा देख लेते हैं। विच लीडरशिप स्टाइल इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय गिविंग एम्प्लॉयज ऑटोमनी ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लीडरशिप इनकरेज करती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेजी फेरी लीडरशिप। इस चीज़ को ये जो लेजी फेरी लीडरशिप है इसको आप अलग से भी पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं। अ लीडरशिप हु फोकस्ड ऑन सर्विंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स इज प्रैक्टिसिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अ लीडरशिप हु फोकस ऑन सर्विंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स इज प्रैक्टिसिंग। ऑप्शन नंबर बी सर्वेंट लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे दिया हुआ है, विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने नोट के लिए। द लीडरशिप स्टाइल दैट एम्फेसाइजेस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड कोलेबोरेशन विद इन द टीम इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वॉट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अडॉप्टेड लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ लीडर हु रिलाइज ऑन पर्सनल चार्म एंड इन्फ्लुएंस इन प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैरिमेस्टिक लीडरशिप। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, विच लीडरशिप टाइप फोकसेस ऑन सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम अपने कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप प्राइमरली फोकस ऑन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप किस पर फोकस करती है, टास्क एक्लॉप्लिशमेंट पे, अकॉम्प्लिशमेंट जो टास्क एक्लॉप्लिशमेंट है उस पर यहाँ पर फोकस करती है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। व्हाई इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसा आप लोग को मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप स्टाइल एम्फेसाइज टीम कोलेबोरेशन एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ लीडरशिप व्हाट डज शॉर्ट स्टैंड फॉर। शॉर्ट का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये होता है यहाँ पर शॉर्ट का फुल फॉर्म। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लीडरशिप ट्रेट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल व्हाट शुड लीडर्स अडॉप्ट बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयज रेडनेस एंड टास्क एट हैंड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वॉट इज द पर्पज ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्राइजल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। तो ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। विच लीडरशिप टाइप फोकसेस ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज एंड न्यूट्रिंग देयर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच लीडरशिप टाइप फोकसेज ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज एंड न्यूट्रिंग देयर ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आप देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए, इग्नोरिंग इमोशंस फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, अवॉइडिंग इमोशनल कनेक्शन विद टीम मेंबर्स, प्रायोरिटाइजिंग लॉजिक ओवर
इमोशंस इन ऑल सिचुएशन। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। इस तरीके से हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस देखे, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो हम यहाँ पर पार्ट थ्री में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जल्दी हमारा पार्ट थ्री आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।